हेलो, हु इज दिस? हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो पिछले हफ्ते मैंने एक कम्युनिटी टैब में आप सबसे पूछा था कि मैं एक हॉरर वीडियो बनाऊं क्या, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था यस बनाओ। तो आज का वीडियो कुछ वैसा ही होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ हॉन्टेड नंबर्स को कॉल करेंगे और जो ऑलरेडी स्थापित है ऐसा बोला जाता है, और जिनको कॉल करने से आदमी का डेथ भी हो सकता है। तो ये वीडियो मैं अकेले नहीं बना सकता, इसलिए मैंने अपने बहन को रिक्वेस्ट किया कि तू आ जा भाई इस वीडियो में। और ये रही हमारी बहन। अबे तू इतनी खुश है? हाँ। हम हॉरर वीडियो बना रहे हैं, सीरियस बन थोड़ा। मैंने चार नंबर ऑलरेडी चूज भी कर लिए हैं कौन सा करना है, और वो बहुत ही डेंजरियस है। और आपको पता है, मैंने जब नंबर के बारे में रिसर्च करी थी उसमें भी लिखा भी था, अगर मतलब कि बहुत से लोगों की ऐसे डेथ भी हुई है। और हाँ, अभी एक्चुअली अभी रात के 3 बज रहे हैं, उसमें रूल है कि हम लोग को आफ्टर मिडनाइट, उसके बाद ही हम लोग को ट्राई करना था। सो गाइस, पता है अभी बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है और बिजलियां भी कड़क रही है, तो ये माहौल और डरावना बन जा रहा है। क्यों रे? डरावना नहीं, बहुत ब्यूटीफुल सा एनवायरनमेंट चल रहे है। और हाँ, उसकी पटरी है। लास्ट टाइम भी आपको याद है ना, पेंसिल वाला हॉरर। एक बात बोल दूं, वैसे ही मुझे पसीना अभी से आ रहा है डर के मारे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सारे नंबर्स को जो कॉल होंगे वो तेरे फोन से होंगे। हाँ ठीक है, आई एम रेडी। मैं बच गया। सो गाइस, अभी हम रेडी हैं वीडियो स्टार्ट करने के लिए। अभी 3:23 हो रहा है, 3:25 पर, 3:25 AM पर। हाँ, लास्ट टाइम की तरह कुछ अनहोनी न हो जाए हमारे साथ, याद है ना? हाँ, नहीं कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें बिना कुछ देरी के, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर की कहानी बता दे पहले सबको कि क्या है। हाँ, के जो पहला नंबर है वो है 999999। क्या कहानी है इसके पीछे? 999999। तो इसके पीछे ये जो कहानी है, थाईलैंड का नंबर है, ये एक कर्स्ड नंबर है। अगर हम लोग इस पे कॉल करते हैं तो ये मानना है कि वो इंसान की मौत एक वीक में हो जाती है। अगर किसी ने रिसीव किया तभी ना। हाँ, उधर से कुछ आवाज आएगी, कुछ वो बोलेगा और उसके बाद हम लोग की डेथ हो जाएगी। हम लोग की नहीं, तेरी। हाँ हाँ ठीक है, छी। ओके, तो ट्राई करें क्या? लेट्स डू इट। ओके, गाइस एक अजीब सा फील आ रहा है, बट इसमें ना वेट, स्पैम आ रहा है, स्पैम। अच्छा, ट्रू कॉलर में स्पैम दिखा रहा है, राइट? स्पैम आ रहा है, हाँ। कॉल लग गया। प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। वापस एक बार कॉल करें। द्वारा डायल किया, मतलब ये ट्रू कॉलर में तो स्पैम दिखा रहा है। स्पैम दिखा रहा है। ओके, एक बार फिर ट्राई करते हैं। गाइस बहुत जोर से बिजलियां कड़क रही है साइड में और भी फट रही है। स्वीटी, चलिए आपको एक लज्जतदार रेसिपी सिखाती हूँ, पास आइए ना। आग लग चुकी है, अच्छी स्टोव में गरम है। बंद कर। तो इससे क्या साबित हुआ? फेक, ये नंबर भी फेक। चलो फिर नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। ये बिजलियां ऐसे क्यों कड़क रही हैं, पता नहीं। ओके, सो सेकंड नंबर तैयार है? हाँ, तैयार। जो दूसरा नंबर है वो है 090444444। ठीक है, इसके पीछे की कहानी। हाँ, तो ये बेसिकली जापान का नंबर है। हाँ। और ये माना जाता है कि ये नंबर पे हम लोग अगर कॉल करते हैं तो उधर से कोई कुछ बोलेगा, और वो बोलेगा कि तुम एक विश रखो, अब तुम जो भी विश उससे मांगोगे वो पूरी तो हो जाएगी, बट एक हफ्ता के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। ओके, ठीक है, विश मांगो। बैक। पिछली बार तो फेल हुआ, आई गेस इस बार कोई उठा ले फोन और तेरी विश पूरी कर दे। मैं करती हूँ कॉल। तेरी कोई अधूरी ख्वाहिश है क्या? नहीं नहीं। तो पूरी कर दे आज। नहीं, मरना नहीं है। इज्जत कर दो रे तू। जापान का नंबर है, ट्रू कॉलर में दिखा रहे हैं यहाँ पे डॉन डॉन दिखा।
डॉन घोस्ट एंड और सबसे फनी चीज ये है, यहाँ पे नीचे देख लिखा है उत्तर प्रदेश इंडिया, उत्तर प्रदेश ईस्ट इंडिया, जापान के नंबर के हिसाब से इसको रखा गया है, पर ट्रू कॉलर में उत्तर प्रदेश का लिखा है, पर नीचे डॉन घोस्ट भी लिखा गया है, डॉन घोस्ट भी लिखा है, स्कैम नंबर है। एक बार और ट्राई कर। हेलो, हू इज बास्टर? इट्स मी फकिंग बास्टर, यू फकिंग योर नंबर माय डॉटर फकिंग फोन नंबर, यू फकिंग बास्टर, हाउ डेयर यू कॉल माय डॉटर यू फकिंग बास्टर बीच, डोंट यू हैव शेम योर फैमिली, कट गया अभी लगा कौन हाँ भाभी को बताना पड़ेगा। फिर से साबित हो गया कि ये दूसरा नंबर भी फेक ही है। चलो फिर तीसरा नंबर रेडी है? हाँ तीसरा नंबर भी रेडी है। ओके लेट्स डू इट। सो गाइस अभी तक दो नंबर हमने लगा लिया और दोनों फेक निकले। यस अब थर्ड वाला चेक करते हैं। मुझे नहीं लगता ये भी कुछ होगा, क्या लगता है तुझे? नहीं रे ये सब फेक होता है। तो तीसरा नंबर कहाँ का है? तीसरा नंबर है 00170134719 36। तो मैंने इंटरनेट से बस इतना इन्फॉर्मेशन निकाला है कि ये कुछ रेड रूम नंबर है जो कि एक कर्स्ट प्लेस है। हम लोग इस नंबर पे कॉल तो कर देंगे, उसके बाद तो क्या होगा, वहाँ से कोई आएगा और हम लोग को किडनैप करके लेके जाएगा वो रेड रूम में, और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करेगा टू द डेथ। बस मैंने इतना ही इन्फॉर्मेशन पाया, तो लेट्स ट्राई करें क्या? रेडी? ओके लेट्स ट्राई। कुछ ये थोड़ा अभी वापस लगा, पूरा सुन क्या दिखा रहा है ट्रू कॉलर में? फ्रेडी फेजपियर पिज्जा। अब गाइस अभी थोड़ा सा मुझे रोमांचक लगा क्योंकि ये नंबर में वापस रिपीट कर दूंगा। फिर से कॉल लगाते हैं और इस बार पूरा सुनते हैं कि क्या बोल रहा है, तो ध्यान से बने रहे। हेलो 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 हु इज दिस? हेलो हेलो हु इज दिस? हेलो हेलो मे आई नो हु इज दिस? हेलो गाइस कॉल चला हुआ है, अभी तक चल रहा है। हो गया बस। ओके हो सकता है, बट ये थोड़ा सा क्रीपी था गाइस सीरियसली। तुमने सुना ना कुछ रेड रूम? यस रेड रूम बोल के इतना मैंने ध्यान से सुना, रेड रूम बोल के कुछ डिस्कस कर रहा था वो। ठीक है नंबर डिलीट कर देते हैं फोन से।
तो गाइस तीन नंबर ट्राई किया हमने, दो फेक थे, तीसरा जो है नंबर तो लगा बट कुछ क्रीपी आवाज आई उधर से। सो गाइस इस बार थोड़ा पसीना निकल गया मेरे से। सो गाइस ये आखिरी नंबर लगा रहे हैं हम, थर्ड वाला तो लग गया था, पता है कितना भयानक हुआ था सिचुएशन। आई होप ये वाला ना लगे क्योंकि अभी मेरा हालत सुख गया है। सो रेडी? यस। तो okay. जो दूसरा नंबर है वो है 1646868144। इंटरनेट में इसमें इसके रिलेटेड कुछ ज्यादातर इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, बस इतना पता चला है कि कोई एक न्यूयॉर्क बेस्ड नंबर है और अगर हम लोग यहाँ पे कॉल करते तो कुछ वियर्ड सा साउंड सब आने लगता है। एक बच्ची कुछ रो रही होगी ऐसा कुछ उन्होंने बोला है, बट लेट्स सी। हेलो हेलो ये तो सच में आवाज आई है। उसमें लिखा था क्या लड़की की, कोई बच्चे की आवाज आएगी बोल के? स्कैरी सा वॉइस आएगा वैसे तो लिखा था, कुछ कंप्यूटराइज्ड होगा कुछ, मुझे भी वही लग रहा है क्योंकि आईएसडी नंबर्स पे जब हम कॉल करते हैं इंडिया से तो बहुत पैसे कटते हैं, तो ये पैसे लूटने का एक माध्यम भी हो सकता है लोगों का क्योंकि बहुत आईएसटी रेट्स कटते हैं। स्कैरी तो है। यस स्कैरी तो था। तीसरा और चौथे में थोड़ा सा डर लगा लेकिन पहले जो थे ना पक्का फेक थे वो। ओके गाइस आई होप आपको थोड़ा सा रोमांचक लगा होगा ये वीडियो, तो आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो आपकी रिस्क पे, हमें कुछ मत बोलिएगा कुछ अगर अलग हुआ तो आपके साथ। क्या रे ठीक है ना तू? हाँ मैं पहले नंबर डिलीट करूँ, वो इम्पोर्टेंट है। ओके चलो फिर वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं और फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और मैं इस पे नजर रखूंगा एक हफ्ते पूरा। डर मत तू, मैं हूँ ठीक है। ओके फिर गाइस बाय। चलिए फिर मिलते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि डू नॉट ट्राई। ओके गुड नाइट। और अगर ट्राई करना है ना किसी दुश्मन के नंबर से करिएगा, दुश्मन के कॉल के नाम। हाँ, तो मैं तेरी दुश्मन थी शायद। हेलो। जिन लोगों ने अभी तक सीडी डैश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी के अभी कर दो, वरना आज रात 12 बजे मैं उनके घर आऊंगा। गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो वरना गए आप सब। बाय।